गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग ठीक हैं? ये ठीक है, बहुत अच्छा। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर, नया पॉइंट लेकर हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कल हम लोग देखे थे जन संचार या मीडिया से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कल हम लोग देखे थे क्या, जन संचार या मीडिया से छात्रों पर क्या क्या मने प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य, हम लोग क्या क्या देखते हैं और बच्चा उसको देखकर कौन कौन सी चीज क्या करता है, अपने में अनुकरण करता है, और क्या क्या चीज होता है उसको वो छोड़ देता है। तो कल हम लोग को बहुत विस्तार से उसको समझे, बहुत अच्छा से समझे। हमको नहीं लगता है कि किसी को उसमें क्या होगा, कोई समस्या होगा। तो हम लोग आगे बढ़े जी साहिब, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे क्या कि पहचान के निर्माण में मीडिया के योगदानों का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, पहचान के निर्माण में मीडिया के योगदानों का वर्णन। सबसे पहले आप लोग मीडिया का नाम सुने हैं, ठीक है, और मीडिया का साधन क्या है, वो किस किस माध्यम से क्या करती है, हमारी और आपकी पहचान बनाती है। और इसके साथ साथ आपकी और हमारी केवल पहचान नहीं, वो दुनिया के जो भी वस्तु है, जो भी हमारे यूज की सामग्री है, उस सभी को वह पहचान कैसे बनाती है। मैंने उनमें इतना ताकत है कि जिस सामग्री की मांग नहीं हो उसका भी क्या करते हैं, इतना प्रचार प्रसार कर देते हैं कि वो फेमस हो जाता है। अरे बहुत चीज, जैसे और चीज छोड़िए, एमडीएच का मसाला बताइए कितना फेमस है, बच्चा जानता है। तो किसका योगदान है, इनका योगदान है, मीडिया की योगदान है। तो मीडिया क्या करती है, बहुत ऐसी चीज है जिनको प्रचार प्रसार अधिक करते, और वो भी वर्तमान समय में, वर्तमान में आधुनिक युग में या वर्तमान समय में, ठीक है। तो क्या करती है मीडिया, आज का समय जो है क्या है, मीडिया का समय है। वर्तमान समय में मीडिया क्या करती है, इतने अपनी बात को, वाणी को फेमस कर देती है कि दूसरे के सामने क्या होता है, वो प्रवेश कर जाते हैं। और एक लाइन में आप समझिए ना कि क्या होता है मीडिया, विचार का आदान प्रदान, जो उनके विचार होते हैं उसको क्या करती है, आदान प्रदान करती है। आपकी बात सुनेगी, उनकी बात सुनेगी, और उस बात को क्या करेगी, इतना फेमस कर देगी पूरे जनता में, समाज में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, मीडिया क्या करती है, आपकी और हमारी विचार जो होती है, भावनाएं होती है, जो बात है, उसको प्रचार प्रसार करती है। और वह प्रचार प्रसार किस रूप में करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय के तौर पर इसको लिख लें कि ठीक है कि पहचान के निर्माण में मीडिया का योगदान क्या है। तो लिखिए, आज का समय मीडिया का समय है या वर्तमान समय मीडिया का समय। तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं आज का समय, ठीक है, आज का जो समय है किसका समय है, मीडिया का समय है। आज का समय मीडिया का समय है, ठीक है। हम इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज का समय या वर्तमान समय मीडिया का समय है, ठीक है। आधुनिक समय में मीडिया अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें लिख सकते हैं हम आधुनिक समय में क्या, मीडिया अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है, आधुनिक समय में मीडिया क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के विचारों को जानना। और यहां पे लिखोगा कि क्या, मीडिया के माध्यम से
एक दूसरे व्यक्ति के विचारों का क्या करना, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना माने कहने का मतलब क्या, एक दूसरे के जो विचार होते हैं उसको क्या करना, जानना। तो कोई जरूरी नहीं है कि खाद्य सामग्री होगा उसी में हम क्या करना है, एक दूसरे के विचार को जानना है, वो पॉलिटिक्स में जानना है, वो युद्ध में जानना है, वो एजुकेशन में जानना है। ठीक है, अब देखते हैं कोई टीचर इतना अच्छा पढ़ाता है जिनका प्रचार प्रसार कितना ज्यादा हो जाता है। अगर आप और हम मौखिक हम प्रचार करें वो भी क्या है, मानिए एक मीडिया का स्रोत ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए, क्या है वो अपने उसके एक दूसरे के व्यक्तियों को क्या करना, विचारों को जानना, आदान प्रदान करना। ठीक है, और जैसे मानते आप देखिए जैसे में क्या ऐसे हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, उसके बाद हो गया धर्म, उसके बाद हो गया युद्ध। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे शांति हो गया, शांति की व्यवस्था करना, व्यवस्था, ये सब क्या करती है मीडिया, इस पर विशेष फोकस करती है। ठीक है, अब राजनीतिक पार्टी में सामाजिक हो गया, सामाजिक राजनीतिक इटीसी, इसमें क्या करती है मीडिया जो होती है अक्सर विशेष फोकस करती है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति को क्या करना, आदान प्रदान करना, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि कोई ऐसा सामग्री। ठीक है, अब देखिए इसका मैं इसको इंट्रोडक्शन में हो गया, अब जैसे मीनिंग हो गया इसका, इसको क्या होगा। ठीक है, तब प्रति इसका कहने का तात्पर्य है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई ऐसा सामग्री, ठीक है, जिसका प्रचार प्रसार क्या है, कम है, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रसार प्रसार कर दिया जाए ताकि उनकी मांग क्या हो सके, अधिक हो सके। अब जैसे हम मीनिंग में लिख रहे हैं इसको, ठीक है, अब मीनिंग में क्या होता है, मीनिंग में इसके कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, मीनिंग जैसे हो गया, मीनिंग जिस अर्थ हो गया इसका, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि कोई ऐसी सामग्री या बात जो जानकारी किसी को नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई ऐसा सामग्री, कोई ऐसा बात जो किसी को जानकारी क्या हो, नहीं हो, लेकिन बट इसको इतना ज्यादा क्या प्रचार प्रसार कर दिया जाए ताकि सभी व्यक्ति इसको आसानी से क्या करे, समझ सके। जी, ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, किसको, इस बात को, किसी सामग्री को हम इतना ज्यादा प्रसार प्रसार कर दे ताकि वो सभी व्यक्ति क्या करे, इसको आसानी से समझ ले। ठीक है, और इसको अपने यूज में लेना प्रारंभ कर दे। तो उसके पहले हम लोग क्या किए थे, इंट्रोडक्शन लिखे थे, परिचय लिखे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन था, उसके बाद क्या आ गया, ये क्या हो गया, मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, तो इतना तो हम लोग समझ लें कि आज का समय मीडिया का समय है, मीडिया क्या करते, किसी अपने विचार को या किसी व्यक्ति के विचार को क्या करते, दूसरे के सामने उसको प्रस्तुत करती है और उसको फेमस करती है। उसका क्षेत्र अनेक है, शिक्षा हो गया, राजनीतिक हो गया, युद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पे है क्या, अब प्रचार प्रसार है, इसका तरीका भी है। अब जैसे इसका टाइप दिखा दे रहे हैं हम आपको,
ठीक है, जिसको अगर समझ में नहीं आए उनसे अनुरोध है, विनती है, नम्र निवेदन है कि वह अपने कीमती समय को खोने ना दे, वो हमसे पूछे, समझे, ठीक है। इसलिए कि हम जानते हैं कि क्लास में सभी श्रेणी के बालक पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपनी समस्या को खुद हमसे बोलिए। तो देखिए अब जैसे इसका टाइप देखिए, टाइप का मतलब क्या होता है, प्रकार। जी जी बहुत अच्छा, टाइप का मतलब क्या, प्रचार। तो आप लोग अपना विचार दे सकते हैं कि जो मीडिया होती है उसके टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए बहुत अच्छा जी, इसके मीडिया के मात्र दो ही टाइप होते हैं। एक होगा क्या, ओपन प्रचार, माने कहने का तत्पर्य क्या, एक होगा खुला प्रचार, और दूसरा होगा क्या, गुप्त प्रचार, ठीक है। एक हो गया क्या, खुला प्रचार, और एक हो गया क्या, गुप्त प्रचार। मैंने कहने का मतलब यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि खुला क्या, मीडिया, और इसको मिलेंगे क्या, गुप्त मीडिया। जी अस्पष्ट दिखाई दे रहा है आप सभी को साहेब, अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, खुला प्रचार और गुप्त प्रचार। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि खुला प्रचार किसे कहते हैं, माने ओपन प्रचार किसे कहते हैं, माने जिसको क्या ओपन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी प्रचार है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ओपन प्रचार की बात है, तो ओपन प्रचार अब कौन कौन सी है, उसमें जैसे होगा कुछ प्रचार ऐसे होते हैं जिसपे किसी प्रकार की क्या होगी, प्रतिबंध नहीं होगी, उस पर क्या होगा, बिल्कुल किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। इसलिए कि लाइट कट गई, तो लाइट कट गई तो थोड़ा सा अंधेरा जो कैमरा है क्या है वहां पे अंधेरा, ठीक है। तब तक लाइट आ भी गई, ठीक है। तो चलिए खुला प्रचार और गुप्त प्रचार, ठीक है। खुला प्रचार किसे कहते हैं और गुप्त प्रचार किसे कहते हैं, इसको हमको देखना है। तो कुछ प्रचार ऐसी होती है, ठीक है, जिसको ओपन किया जाता है, किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं, और कुछ प्रचारें ऐसी होती हैं जिसको क्या किया जाता है, उसको छुपा के किया जाता है। तो ये जो दो को मुद्दे होगी किसके पास होती है, सरकार के पास होती है, जो गवर्नमेंट होगा उसके पास होगी। तो जैसे आप लोग बताइए ओपन प्रचार कौन है। अब जैसे आप लोग देखिए परिवार निवेदन का नाम सुने हैं, परिवार निवेदन, परिवार निवेदन क्या है, परिवार, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन कौन है, ठीक है, कि जनसंख्या पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने पे क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, इसको ओपन, किसी सामग्री को क्या करना है, मार्केट में दौड़ाना है, बेचना है, उसको ओपन प्रचार बोलेंगे। इस पर किसी प्रकार की क्या होती है, प्रतिबंध नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां एड अपना हमेशा कराते हैं, देखते हैं कोई हीरो करेगा, कोई हीरोइन करेगा, कोई कलाकार करेगा, कोई फेमस व्यक्ति होगा वो करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन प्रचार बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया जैसे गुप्त प्रचार। अब गुप्त प्रचार क्या होती है, उस सरकार के पास उसका क्या होता है, शेड्यूल होता है, जानकारियां होती है, वो मीडिया के पास नहीं होती है। लेकिन अगर मीडिया ओपन भी करता है तो जब तक क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होता तब तक उस प्रचार को ओपन नहीं किया जाता। अब जैसे देखिए नोटबंदी था, नोटबंदी किसी को मालूम था, मालूम नहीं था। अब कोरोना जैसे लॉकडाउन, ये किसी को मालूम था, नहीं था। वो ट्रेन बंद रहेगा, वो किसी को मालूम था, नहीं था, ठीक है। कोई युद्ध होने वाला है, वो किसी को मालूम है, नहीं था। तो जो ये सारी चैनल क्या है, जो जानने की जानकारियां हैं, जो क्षेत्र है, ये क्या करते, इसको हाइड करके रखा जाता है, ओपन नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुप्त प्रचार बोलते हैं। उसके बाद होता है क्या, परिवर्तनात्मक प्रचार, ठीक है। परिवर्तनात्मक प्रचार में क्या होता है, अब देखिए परिवर्तनात्मक माने परिवर्तन संबंधी प्रचार, इसमें क्या, परिवर्तनात्मक, परिवर्तनात्मक, परिवर्तनात्मक प्रचार। इस प्रचार में क्या होता है जानते हैं आप,
पहले मीडिया को क्या किया जाता है, ठीक, पहले मीडिया को समझाया जाता है और उनके बाद जो उनके क्या होती है, जो विचारे होती है वो क्या प्रत्यक्ष व्यक्ति के पास, समूह के पास, ग्रुप के पास उसको रखा जाता है, ठीक है। और व्यक्ति क्या करते हैं, उस सारी बातों को समझते हैं और अपने व्यवहार में क्या करते हैं, उसको लाते हैं। पहले मीडिया को समझाया जाता और व्यवहार में लाने के लिए क्या किया जाते, व्यक्ति होते हैं उसको प्रेरित किया जाता, मोटिवेट कर, अरे आप लाइफ बॉय साबुन का यूज कीजिए, बहुत अच्छा है। एड क्या करते हैं, कलाकार ये नायक नायिका इसको यूज करते हैं, देखते हैं एड कितना अच्छा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनात्मक, जिससे क्या होता है परिवर्तन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, विभेदात्मक प्रचार, विभेदनात्मक, विभेदनात्मक प्रचार, विभेदनात्मक इसको मीडिया भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है जानते हैं, फूट डालो और शासन करो, ठीक है। विभेदनात्मक प्रचार में क्या होगा, फूट डालो और शासन करो, ठीक है। उसमें क्या होगा, फूट डालो शासन करो, ये विभेदात्मक प्रचार हो गया। उसके बाद क्या हो गया जानते हैं आप, ठीक है। अब ये सारी कौन करते हैं, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, एक नेता दूसरे नेता की शिकायत करेगा। अब जैसे बिहार में है, लालू नीतीश का शिकायत करेगा और नीतीश लालू का शिकायत करेगा, ठीक है। एक ग्राम पंचायत के चुनाव में जाइएगा, छोटे मोटे वार्ड में, वो भी शिकायत करता है। तो इसका क्या करते हैं, विभेदात्मक प्रचार में क्या राजनीतिक जो होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो इसका शिकायत और उसका शिकायत करते हैं। उसके बाद हमारे पास हो गया क्या, संगठनात्मक प्रचार, संगठनात्मक, संगठनात्मक मीडिया, मानिए ना मीडिया, ठीक है। अब संगठनात्मक मीडिया में क्या होता है, जनता में शांति स्थापित करना, एकता उत्पन्न करना, समूह में क्या करना, मनोबल को ऊंचा करना, ठीक है। संगठनात्मक प्रचार में जो किसी प्रकार के क्या होता है, समाज में, विद्यालय में, सोसाइटी में किसी प्रकार का फूट डालने की प्रवृत्ति, हमें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, संगठन करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगठनात्मक प्रचार बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट में हम लोग चले, ठीक है। वो सारी क्या करती है, एक दूसरे को हमें क्या करते हैं, उसमें ऊंचा उठने के परिवर्तन और मनोबल। उसके बाद उद्देश्यात्मक या परिणात्मक प्रचार, उसके बाद नेक्स्ट देखें उद्देश्यनात्मक, ठीक है, उद्देश्यनात्मक या प्रेरणात्मक, प्रेरणात्मक मीडिया पहचान। अब उद्देश्यनात्मक या प्रेरणात्मक में क्या होता है, आप जानते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। प्रचार का कोई ना कोई क्या होगा, उद्देश्य होता है, उसके लिए आकर्षित बात को रखे जाए। अब देखिए कहने का मतलब, उद्देश्यनात्मक या प्रेरणात्मक, जब कोई मीडिया प्रचार करेगी तो कुछ उसका कोई ना कोई क्या होगा, उद्देश्य होगा, ठीक है। और उस उद्देश्य को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करेगा, वो प्रचार प्रसार करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्यात्मक या प्रेरणात्मक पहचान बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या, प्रचार की सामग्री। अब देखिए आप देखें प्रचार की सामग्री, अब कोई जरूरी नहीं है कि मीडिया प्रचार कर रही है वही प्रचार की सामग्री है, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा जैसे व्यक्तिगत भाषण हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, नेट हो गया, ये सब क्या है, प्रचार के साधन, लाउड स्पीकर हो गया। अब मौखिक ओरल क्या करें बोले, ये भी क्या है, प्रचार का एक जरिया है, साधन है। आज तो तकनीकी इतना ज्यादा है कि उसका कोई कमी ही नहीं है। उसके बाद निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन संबंधी प्रचार, ये भी आप लोग जाने, निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन, जैसी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो क्या करती है, मीडिया उसके प्रति जागरूक करती है, गाइड करती है, निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन। अब जिसे कोरोना संबंधी देखिए मीडिया क्या करती है, आपको कितना ऑर्डर देती है, कितना निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन देती है, ये सारे क्या। उसके बाद थोड़ा सा और है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट में चले, ठीक है, उस पर विशेष फोकस करना, उसके प्रचार की स्वीकृति और उसका प्रभाव, ठीक है, प्रचार की स्वीकृति और उसका प्रकार, वो प्रचार करने की जो सामग्री होती है, जो प्रक्रिया होती है, समाज से भी और क्या करते थे, गवर्नमेंट से भी, दोनों से लेना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, प्रचार को प्रसार प्रसार करते हैं। समाज की सारी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो सभी को स्वीकार करना पड़ता है, समाज की सभी बात जो थी, मीडिया की सभी बात को स्वीकार नहीं, कुछ बात ऐसी होती जिसको स्वीकार करना। अब जैसे देखिए नोटबंदी था, सबको स्वीकार करना था, कोरोना संबंधी जितनी जानकारियां थी सभी को क्या करना था, उसको ग्रहण करना था, ठीक है। उसके बाद होता है नकारात्मक विधि संबंधी प्रचार, राजनीतिक पार्टी का क्या थी, नकारात्मक प्रभाव
राजनीतिक पार्टी अपनी क्या करती है, बढ़ाई करती है, और किसी दूसरे पर्सन की क्या करती है, शिकायत करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक प्रभाव बोलते हैं। और किसके बदले में उसके बाद एक प्रमाण पत्र, पत्र ठीक है, विधि संबंधी मीडिया का प्रचार प्रमाण। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, आपकी बड़ाई होगी, आपकी बड़प्पन होगी, आपसे जो सीनियर पर्सन होंगे वो आपको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखें क्या, ठीक है, पहचान के निर्माण में मीडिया की योगदान का क्या होता है, वर्णन करेंगे इसको देखें। चलिए, तो आज के हमारे क्लासेस यहीं पर रहेगा। तो सबसे पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है कि आप इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे अपने दोस्तों के पास इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी सिलेबस क्या होगा, पूरा हो सके और आसानी से समझ सके। वीडियो के बार बार रिपीट करने से क्या होगा, दो बार तीन बार देखिएगा तो आसानी से समझ में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको बोलिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।